वेलकम बैक वंस अगेन टू आकाश बायजूस। आई एम पुष्पेंदु एंड आपको पता है कि आज के दिन बहुत स्पेशल होता है। मी एंड मृणाल सर वी प्लान आउट समथिंग, वी ऑलरेडी डिड समथिंग। आपने अगर टेलीग्राम पे देखा होगा, यू नो मृणाल सर ट्राइड समथिंग समथिंग विथ मी एंड आई रियली गॉट अ शॉक। एंड वो ये चीज है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मृणाल सर को मैं बुलाता हूँ जल्दी एंड लेट्स सी आज के सेशन में आपके लिए क्या स्पेशल है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? मृणाल सर कम अप। हेलो एवरीवन। सो ऑल राइट, सो इट वाज मोर लाइक यू नो पुष्पेंदु सर शॉक्स एंड मृणाल सर रॉक्स, है ना। सो ऑल राइट, आई वेलकम ऑल टू दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन। आज फिजिक्स के फंडे हम पढ़ेंगे पुष्पेंदु सर के साथ। सो यस, टू स्टार्ट ऑफ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सेल। तो आप हमेशा बायो में बोलते हैं कि सेल जो है वो बेसिक चीज होती है लाइफ की, यूनिट होती है लाइफ की, राइट? यस यस। सो या कैन यू टेल कि बायो में आपका क्या परसेप्शन है सेल का? हाँ, सो वी नो ऑल के सेल को ना हम लोग हमेशा लाइफ के बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। सबसे छोटा यूनिट बोला जाता है लाइफ का सेल, ठीक है। बट अगर क्योंकि फिजिक्स है यहाँ पे, मृणाल सर है, राइट, तो इसको और अगर तोड़ा जाता है, स्मॉलेस्ट अगर बोलने की कोशिश करता हूं, बट हाँ यहाँ पे फिर लाइफ नहीं बोलूंगा। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि सेल ना, सेल के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, आप लिपिड्स बोलो, इन सारे चीजों के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दीज आर मेड अप ऑफ वॉट, दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स, यस। तो और ग्रैन्यूलर हम जा सकते, पर देन रही बात, क्या हम एटम्स को और कुछ कर सकते हैं? Yes, आज आई थिंक आज उसी की बात हम करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक सपोज करो कुछ ऐसा एटम है, ठीक है, ये ऐसा कुछ एटम दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है कि ये जो है एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब मुझे ना इस एटम को तोड़ना है सपोज, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन को उठाऊंगा, इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को उठाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन से ना इसको दे मारूंगा बहुत तेज, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। और यही चीज होती है हाइड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, आप सबने सुना होगा उसका, सर्न का जो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, हिग्स बोसॉन उससे हमें मिला, गॉड्स पार्टिकल उससे हमें मिला, हमें ये समझ में आया कि एटम्स बना किससे। तो जब हम सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो डाल्टन ने सबसे पहले एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, है ना। तो जो है डाल्टन ने सबसे पहले एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि सब कुछ जो है, जो किसी चीज़ को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो जो लास्ट में सबसे छोटा चीज़ बचेगा, दैट वुड बी एटम्स, राइट। उसको फर्दर दे आर अनडिवाइडेबल, नॉन डिस्ट्रक्टेबल, इस तरह से कुछ बात हुई थी। बट द थिंग इज कि ऐसा सच नहीं था। बाद में हमने देखा कि इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और भी बहुत सारे हैं, 80 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं इस टाइम पे। ऑलराइट, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। अब इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा फिजिक्स है। फिजिक्स ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा सा जिसे हम दिखा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सो मैथ साइंस समवन इज आस्किंग व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम दिस सेशन, आई मीन 10th। क्या 10th के बच्चा ये समझ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता है। देखिए, बेस इलेक्ट्रिसिटी तो 10th में भी है, और सीखने का कोई, आई डोंट थिंक कि कोई उम्र होती है, और एंड वी आर नॉट टीचिंग एज सच, इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड सीइंग इट फॉर योरसेल्फ कि साइंस सच में कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जो आपके लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, आपको, आप कुछ गेस करना चाहेंगे? What is this? आपके हाथ में जो? Yes, yes, yes. तो बस मुझे दो, you know, पॉलिथिन पेपर टाइप कुछ लग रहा है। All right, पॉलिथिन पेपर टाइप लग रहा है। ये एक बड़ा ही महंगा इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ठीक है। तो ये पॉलिथिन पेपर, करीब करीब आप ठीक बोल रहे हो, इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। और जब आप इसको रब करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये दोनों, जैसे मेरे फिंगर्स है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस पेपर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर ये जो शीट है ना, प्लास्टिक की शीट है छोटी सी, तो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, और आपको दिखेगा थोड़ी देर में कि ये ना एक दूसरे को रिपेल करने लग रहे हैं। थोड़ा हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, बट लाइव एक्सपेरिमेंट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कभी कभी ना ये उस टाइम पे काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये वही है जो हम लोग
बाल के साथ करते हैं विद हाँ विद रब इट, यस 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 सेम चीज है हाँ करेक्ट okay. तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने दो लाइक चार्जेस को लिया है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस को लिया है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ऑलराइट right? और यहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज वैंडी ग्राफ्ट जनरेटर, जिससे कि हमने सुबह को पुष्पेंदु सर को थोड़ा झटका भी दिया था. राइट right? तो आज हम समझते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले. ठीक. बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि सर लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है, लाइटनिंग कैसे फॉर्म होता है. तो कहीं ना कहीं ये एक मिनिएचर कंडीशन है. ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है बेसिकली जो मैं बता रहा था आपको कि जब इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर में, तो हम उसे कैसे इतने तेजी से भगाएं कि वो जब किसी एटम से टकराए तो उसको तोड़ सकते, और जब वो तोड़ता है तो एटम्स के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनते हैं. हम इन फ्रैगमेंट्स को देखते हैं और फिर उसे ट्रेस बैक करते हैं कि ये पहली बार बना कैसे होगा, लाइक हाउ डिड इट एंड अप बीइंग लाइक दिस. राइट, तो क्योंकि आपने किसी चीज को तोड़ दिया, जैसे आप बचपन में बहुत सारे खिलौने से खेलते हो, राइट, एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है yes. कि ये कार के अंदर क्या है. क्या आप भी है? शायद वैसे ही बच्चे रहे होंगे जो है ना, आपने शायद क्योंकि आपने बायो लिया आई थिंक सेल्स को हाँ वो देखते थे. वो ज्यादा देखते थे, बट मेरे ख्याल से जो जो भी बच्चे फिजिक्स एंथुसियास्ट होते हैं ना उनके अंदर ये बहुत ज्यादा रहता है कि ये चीज किस चीज से बनी है, और बच्चों में खास करके ज्यादा रहता है. इन बच्चों ने भी अपने भाई बहन लोगों को देखा होगा वो वाला है ना पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर लेके घूमना. करेक्ट करेक्ट हाँ, रणछोड़दास चांचर की बात कर रहे हो आप. ठीक है हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली जो क्लाउड्स के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, किस तरह से चार्जेस डेवलप होते हैं, वो वाली इससे बिल्कुल 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 इससे समझेंगे लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, और कहीं ना कहीं आज आपके थ्रू करंट फ्लो करवाएंगे. मेरे थ्रू? यस यस आपके थ्रू. आपको क्या लगता है, आप कंडक्टर हैं या नॉन कंडक्टर है? जितना मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा था आई शुड बी अ कंडक्टर, मतलब हाँ यू आर अ कंडक्टर, नॉट अ गुड कंडक्टर एज दिस दिस ये जो स्क्रू है इतना ज्यादा तो अच्छा नहीं, बट हाँ इतना बुरा भी नहीं. ठीक है, यानी कि हमारे अंदर से करंट तो जा सकती है, ऐसा नहीं है कि करंट नहीं जा सकती है. अब सबसे पहले दिखाते हैं कि चार्जिंग से होता क्या है, चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं, और किस तरीके से पार्टिकल एक्सेलरेटर में आप चार्ज डेवलप करते हो. बेसिकली जब किसी चीज पे चार्ज आता है तो क्या होता है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है. ठीक है, तो हम ये दिखाते हैं इस, अगर आप इस सेटअप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना आपको दिखेगा कि एक बेल्ट है. ठीक है, ये कपड़े का बेल्ट है जो टेफ्लॉन के ऊपर, ये कपड़े का बेल्ट है. कपड़े का, ठीक है, ये टेफ्लॉन के ऊपर है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक मेटल से कनेक्टेड है. तो क्या हो क्या रहा है, बेसिकली जो धरती है ना उससे हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठाते हैं और इसके ऊपर डालने वाले. ठीक है, धरती से इलेक्ट्रॉन्स उठा रहे हैं और इसके ऊपर डालने वाले. ठीक है, और उसके बाद ये ना चार्ज हो जाएगा और फिर वापस से उसको धरती में भेज देंगे, क्योंकि अब देखो हम कुछ कोई चार्ज को क्रिएट तो कर ही नहीं सकते. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि यू कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज. ठीक है, तो चार्जेस जो भी हम उठा रहे हैं वो धरती से ही उठा रहे हैं, लेकिन किस तरह से, इस कपड़े में और इस मेटल में. अगर आपको दिखेगा कि जैसे जैसे मैं इसको रब करता हूँ, मैं अभी शुरू करता हूँ, जैसे जैसे मैं इसको रब करता हूँ अभी थोड़ी देर में ना आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा. सुनाई दे रहा है हाँ, थोड़ी थोड़ी क्रैकिंग साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा, है ना. और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे ये चार्ज हो गए. तो अगर आप अपने हाथ को अगर इसके पास लेकर के आएंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि आपके जो बाल है ना वो खड़े होने लग रहे हैं, या फिर अगर आप अपने सर को थोड़ा सा इसके पास लेकर आइए, ज़्यादा पास नहीं, नहीं तो आपके नाक पे करंट लग सकता है. ठीक है, आप अपने सर को यहाँ पे लेके, मुझे फील हो रहा हाँ, है, हो रहा ना, यस. वैसे मेरे बाल बहुत छोटे हैं, आप ट्राई करो. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. आई थिंक इफ यू कैन मूव इट टू द क्लोज, मुझे तो दिख रहा है, आप बिल्कुल दिख रहा है, ये सामने वाला पोर्शन सारे सीधे हुए. अच्छा, यू नो म्यूजियम वगैरह पे जो वैंडीग्राफ जनरेटर्स ये रहता है क्या? ये एग्जैक्टली यही रहता है, आपको दिख रहा होगा. आई डोंट नो बच्चों को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, विल 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 मूव इट टू द क्लोजर व्यू. अब दिख रहा है क्या? हाँ आई थिंक अब थोड़ा सा हो सकता है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे बाल जो हैं. है ना, आई डोंट नो कि किस किस एंगल से ये अच्छे से और बेहतर समझ में आएगा. हाँ क्लियर दिख रहा है, आप थोड़ा इस तरफ घूम जाओ. हाँ अभी दिख रहा है कि आपका बाल सारे सीधे, आप थोड़ा सा उस तरफ जाओ. हाँ अभी अभी करो, अभी करो, अभी देखो, अभी दिख रहा है ना सबको, नाउ इट इज विजिबल. मैं बहुत टेंशन में भी हूँ, आई थिंक इस वजह से बहुत पसीने भी आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रही है, यस सबको दिख रहा है, ग्रेट.
जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रही है दिस इज ऑलमोस्ट 2500 वोल्ट्स, 2500 ऑलमोस्ट, और भी ज्यादा, जैसे जैसे मैं इसको और कर रहा हूँ और ज्यादा जाते जाते 25000 वोल्ट तक जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा मेरे बाल अब थोड़े क्रेजी टाइप के होने लग रहे हैं, है ना बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, आई कैन सी इन द चैट, यस यस यस, क्लियरली विजिबल, वाओ, क्लियरली विजिबल, ग्रेट ग्रेट। तो आपको दिख रहा होगा ये जितने मेरे बाल है ना ये सब ये सारे के सारे अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, और मैं दिखाता हूँ कि ये डिस्चार्ज कैसे होगा। सो इफ आई ब्रिंग दिस क्लोजर, इस तरफ से रख लीजिए बच्चों को दिखे, अच्छा ये हाथ रखे, ऑल राइट, ठीक है, हाँ रेडी, ओके एंड नाउ अब मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है कि नीचे से इलेक्ट्रॉन्स चल के आपके बॉडी पे आते जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे मेरे आपको कुछ फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है, मेरे हाथ के बाल पे भी फील हो रहा है, क्या हो रहा है? सो यू कैन सी कि जैसे जैसे यहाँ पे और ज़्यादा ज़्यादा इस मेटल स्फीयर के अंदर चार्ज आ रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, राइट, और अब आपके बाल जो हैं इधर तो पूरा पूरा सीधा हो गया है, अभी ऐसे करंट भी लगेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे आपको करंट तो नहीं लगेगा बट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है अभी, अच्छा ठीक है, आई ट्राई टू चार्ज इट इवन मोर, लेट अस सी, ओके, बिल्कुल बिल्कुल फील हो रहा है हाथ पे बहुत ज़्यादा। आपके सर के बालों को थोड़ा ट्राई करते हैं खड़े होने के लिए, Let's see. All right. So पुष्पेंदु सर का ये जो हाथ है, ये जो लेफ्ट हैंड है, इट इज ऑलमोस्ट एट 25,000 वोल्ट्स, 25,000 वोल्ट्स, ऑल राइट, पर घर पे 220 सुनता हूँ मैं। हाँ मैं बता, उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको करंट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ। अगर इतने करंट जा रही होती हाँ। तो शायद अभी पुष्पेंदु सर पास्ट टेंस हो गए, हाँ पास्ट टेंस हो गए होते। नाउ आई वांट यू टू पुट द अदर हैंड आल्सो, इस पे हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए, अगर आप जब आपने दूसरे हाथ को ऐसे टच किया तो भी कुछ नहीं हुआ, द रीजन इज बिकॉज कि दोनों के दोनों, ये वाला हाथ जो आपका लेफ्ट हैंड है वो भी 25,000 वोल्ट पे, राइट हैंड वो भी 25,000 वोल्ट पे, सो देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। आई वॉन्ट यू टू रिमूव योर हैंड, ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक अब आप चार्ज हो चुके हैं, सो डिड यू सी दैट, ऑल राइट, तो क्या हुआ, मेरे अंदर अभी क्या है, ये आपके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे और जैसे ही मैंने टच किया, मैं चूंकि ग्राउंड से कनेक्टेड हूँ तो क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज फ्लो हो गया, और देखते हैं अब आप डिस्चार्ज हुए कि नहीं, लेट्स जस्ट टच वन 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 फिंगर, एक फिंगर ऐसे दिखते अभी भी लग रहा है, अभी भी झटका लग रहा है, राइट, तो ये मैं ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाऊंगा? हाँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे आप ग्राउंड से कनेक्टेड हो तो धीरे धीरे ये सारे चार्ज फ्लो हो जाएंगे, okay. तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि जैसे कि हमने आपको भी चार्ज किया, और आपका एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था, अगर मैं छोटा सा बैटरी लेता हूँ, छोटा सा सेल लेता हूँ, 1.5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट की बैटरी, क्या लगता है आपको 9 वोल्ट की बैटरी में कितनी वोल्टेज रहती होगी, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता होगा? 9 वोल्ट, करेक्ट, लेकिन जब आप उसको छूते हो तो कुछ नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं, है ना? हाँ. तो प्रॉब्लम वोल्टेज की नहीं है, आप कितने भी ज्यादा वोल्टेज झेल सकते हो, बट प्रॉब्लम करंट की है, जो आप okay. अगर आपने अपने घर के सॉकेट में उंगली घुसा दी, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा करंट है और करंट ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली अच्छा. हमने यहाँ पे इतनी ज्यादा वोल्टेज 25,000 वोल्ट के अराउंड हमने डेवलप करी थी, और वो आपके एक हाथ से पास होकर के ये सारा वोल्टेज आपके ऊपर आ रहा था, आप हायर पोटेंशियल पे चले गए, नेगेटिव चार्ज आपके ऊपर आता चला गया। जब आपने दूसरे हाथ को भी लगाया तो इन दोनों, ये दोनों हाथ के पे, दोनों पे पोटेंशियल कितना था? 25,000, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, करेक्ट, दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इस वजह से आपको दूसरे हाथ लगाने से कोई करंट नहीं लगा। अब क्यों ना ऐसा करें कि आपके थ्रू करंट चलाते हैं, क्या बोलते बच्चा पार्टी, पुष्पेंदु सर के थ्रू करंट को फ्लो कराया जाए क्या? हाँ पुष्पेंदु सर के थ्रू, शैल वी पास द करंट थ्रू पुष्पेंदु? मेरा सवाल ये है कि मुझे करंट लगेगा, शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, आप कुछ भी कर लो। देखो सर, साइंस के लिए जो है ना आपको थोड़ा सा कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और okay. चलो बच्चों के लिए लेट्स ट्राई दिस और हम आपको शहीद घोषित करेंगे, आपने साइंस के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है।
ठीक है। अब आपको एक चीज फिर बताता हूँ। हाँ। आप फिजिक्स में ये सारी चीज कर रहे हो, बच्चों को भी पता है बायो में हमें डाइसेक्ट करके देखना पड़ता है। ओह। सो जब मेरे मेरा टाइम आएगा। ओह अच्छा, तो आप मुझे डरा रहे हैं। ठीक है, विल सी व्हाट कैन बी डन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर से अगेन आई वांट यू टू प्लेस योर हैंड, वन हैंड हो गया डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज है, बिल्कुल डिस्चार्ज। ठीक है, आपने एक हाथ, और फिर से अब आपको हम वो करेंगे, आप दूसरे हाथ को डाल दीजिए इस पे। हाँ हाँ, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल होल्ड दिस। ठीक है, और इसको आप टच करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। या फिर आपके थ्रू ही करवाते तो इससे ही करवा देते। क्या बच्चों, ये तो कंडक्टर ये है। चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो। ठीक है, देखते पुष्पेंदु सर के थ्रू पूरा का पूरा करंट हम लोग फ्लो करवाते हैं। पुष्पेंदु सर थॉर की तरह करंट। All right. Okay. तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि जैसे हम इसको चार्ज करते हैं तो इस पे कैसे करंट आ रहा है। okay. और किस तरह से वोल्टेज डेवलप हो रहा है और कैसे चार्जेस आप करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, आप पकड़ के आराम से घुमाइए, मैं दिखाता हूँ गाइस। देखो ये है ना, यहाँ पे इफ आई ब्रिंग इट क्लोजर कैन यू सी, देखो क्या हो रहा है। ओह, ये ट्रैक कर रहा है। कैन यू सी दिस? ऑल राइट, awesome. अच्छा, अगर मैं इसके बीच में कुछ इंसुलेशन भी डालता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज है। अच्छा, राइट, बहुत ज्यादा वोल्टेज है और आप देख रहे होंगे कि ये ना अपने आप इधर जा रहा है, जा रहा है। तो हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे डेवलप कर दिया, और अगर मुझे इसको डिस्चार्ज करना है तो ये ग्राउंड से है कनेक्टेड, और अगर मैं इसको पास लेकर के आता हूँ, ओह स्पार्क, क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है बच्चों को? Let's try. क्या ये बच्चों आपको तो दिख रहा है? एकदम, थोड़ा सा चार्ज कर लेते। हाँ, बिल्कुल। ओह, this is visible. Yes. Yes. Can you see the spark coming क्या out? क्या बोल रहे? हाँ, I think अब visible होगा। Let's try. जब मैं इसको पास में लेके जाता हूँ तो जल्दी जल्दी spark होगा, लेकिन जैसे मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो कुछ चार्जेस और ज्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि बीच में जो है ज्यादा एयर आ गया, तो अब और ज्यादा बिल्डअप होना पड़ेगा तब ये डिस्चार्ज होगा। okay. आप देख सकते हो जैसे जैसे ये पास में है, ये बिल्कुल दिख रहा है। और पास लेके जाऊंगा तो और जल्दी जल्दी होगा। यस, राइट। अच्छा बच्चों को आवाज भी सुनाई दे रहा है क्या? बच्चों आपको दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट? कुछ ऐसा ही होता है, लाइटनिंग कंडक्टर जो हम बनाते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, और मैं जरूर ट्राई करता हूँ, आप चलाते रहिए, आई विल ट्राई। पहले मैं अपने अंदर से अच्छा पहले डिस्चार्ज कर लेता हूँ। बहुत जोर का झटका लगा इतना, मैं मुझे भी अभी समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूँ, और कहाँ गया वो नील? आई थिंक यही कहीं था। हाँ, ये था। हाँ। ठीक है, तो मैं अब अपने पहले मैं अपने बॉडी के थ्रू पहले मैं अपने बॉडी के थ्रू क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? ठीक है, ठीक है, हाँ। पहले मैं अपने बॉडी के थ्रू पास करके दिखाता हूँ। मैं अभी जो करूँ? हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हो धीरे धीरे चार्ज डेवलप हो रहा है, और मुझे फील हो रहा है मेरे बालों पे। अभी क्या करने वाला? अब मैं इस करंट को अपने बॉडी के थ्रू फ्लो करवाने वाला हूँ। और चार्ज चाहिए, चलिए कोई ना, इसी से करते हैं। डिस्चार्ज हो गया शायद ये। ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेसिक आइडिया ये है कि जब आपने इस पे इतना ज्यादा वोल्टेज बना दिया है, इतना ज्यादा वोल्टेज बना दिया, तो क्या होता है, क्लाउड्स में भी यही होता है कि एक दूसरे से क्लाउड ना एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं। okay. और इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाते हैं, और एक क्लाउड जो है उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जो जमीन पे जो जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, अगर मान लो बारिश हुई है तो क्या हुआ कि उस वो भी चार्ज हो गई, क्योंकि अब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो तो प्योर है नहीं, तो वो कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं। तो होता क्या है कि एक ऐसा टाइम आता है जहां पे ना ब्रेकडाउन होता है, जो आप स्पार्क देख रहे थे ना, एक्चुअली कुछ आइडिया है आपका कि कितना टेम्परेचर रहा होगा? कितना? मैं तो
कितना टेम्परेचर रहा हो, कुछ आइडिया इस स्पार्क का टेम्परेचर कितना रहा होगा? मैं क्योंकि इधर खड़ा हूँ मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 30-40 डिग्री सेल्सियस. मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट द टेम्परेचर वाज व्हाट वुड बी एट द सरफेस ऑफ द सन. यस व्हाट यस इतना ज्यादा टेम्परेचर करेक्ट. और वो जो स्पार्क आपने देखा और ये जो साउंड हम सुनते हैं, ये जो क्रैकिंग साउंड आपने सुना यानी कि लाइटनिंग एंड थंडर जब होती है तो आप साउंड सुनते हो. मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब भी लाइटनिंग और थंडर होती है बच्चों तो आप जो साउंड सुनते हो वो थोड़ी देर के बाद सुनते हो, पहले लाइट दिखता है, ऐसा क्यों? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट आई थिंक आप सबको जवाब पता होना चाहिए. इसका जवाब तो मुझे पता है. बच्चे बोल रहे हैं आप दोनों खतरों के खिलाड़ी हैं. ऑल राइट, जल्दी बताइए क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा होता होगा, क्यों ऐसा होता होगा? जल्दी बताइए. लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे हमें दोनों चीजें बहुत साथ में दिख रही है. दोनों चीजें, लाइटिंग भी दिख रही है और आवाज भी तुरंत आ रहा है, क्योंकि इतना डिस्टेंस ही नहीं है कि हम इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट कर सके तो तुरंत दिखता है. जबकि एक्चुअल में जब लाइटिंग होती है तो आपको पहले लाइट दिखेगा, बाद में फिर साउंड आपके पास आए, बिकॉज ऑफकोर्स साउंड ट्रेवल्स मच विथ मच लेसर स्पीड. लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस की हम बात करें वो बहुत कम है, इस वजह से आपको ये दोनों चीजें साथ साथ दिख रही है. ऑल राइट, मिलन सर एक क्वेश्चन. हाँ हाँ बिल्कुल. सोचिए आप जो क्लाउड के बारे में बता रहे थे, सो अगर यहाँ पे ये क्लाउड है, लेट्स इमेजिन दो नो थिक क्लाउड है, अब जो रबिंग वाला भी मैकेनिज्म बोले इसके, राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिमिलर काइंड ऑफ वो जो लाइटनिंग दिख रहे वो क्लाउड के ऊपर भी दिख रहा है? हाँ, ऊपर भी होगा, राइट. हाँ हाँ हाँ, नीचे भी होगा. हाँ नीचे भी. तो बेसिकली जब ये डिस्चार्ज होता है तो होता क्या है ना, ब्रेकडाउन होता है. तो यहाँ पे जो ये लाइटनिंग दिख रही थी, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा होगा? क्या ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आ रहे, क्या हो रहा होगा? ये ब्रेकडाउन ना एयर के मॉलिक्यूल्स का हुआ है. यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, हाँ. यहाँ पे जो एयर, अगर मैं यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर मैं सोचूं कि मैं वैक्यूम में करना चाहूं, अगर मैं सोचूं कि मैं वैक्यूम में करना चाहूं, तो इतनी जल्दी नहीं होगा. यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे ना, ये क्या हुआ, ये आयनाइज हो गए. अच्छा. आपने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया. जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, कहीं ना कहीं आप कैपेसिटर के भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो यहाँ के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके ऊपर एक फोर्स लगने लगा, करेक्ट. क्योंकि जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचने लगे, है ना. तो क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आएगा जब ब्रेकडाउन होता है, जब वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है, जब यहाँ पे क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एयर के मॉलिक्यूल्स में वो भी खिंच करके यहाँ पे आएंगे. और जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है तो हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इस केस में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, यानी कि हमको लाइट दिखता है. अच्छा. ठीक है. और ये जो लाइट होता है, ये इसका जो टेम्परेचर होता है, ये जो आपने देखा अभी, इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू द टेम्परेचर ऑफ सन होता है. तो अभी जो आपने देखा ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट था, है ना. यस. ओके ठीक है बच्चे, क्या मजा आ रहा है आप लोगों को? या एक बार कमेंट कर लेते हैं. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ रहा है भाई. मैंने तो देखा ही नहीं इनके कमेंट्स इस बार. मैंने भी एक भी नहीं देखा. एक हरजोत इज आस्किंग, जो नेल दूसरे हाथ में थी, हाँ, वो भी सेम वोल्टेज पे थी इसलिए करंट फ्लो नहीं हुआ? जो भी नहीं, ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो नहीं हुआ, करंट फ्लो तो हुआ था. ठीक है, वो दिखा नहीं आपको शायद, यहाँ पे स्पार्क तो दिखा था, ठीक है, बट वो बहुत ही कम दिख रहा था. ऑल राइट, इस वजह से शायद आपको नहीं दिखा. बट हाँ चलिए, जाते जाते पुष्पेंदु सर आपके सर को यहाँ पे लेके आएंगे और अब आपके बालों को चार्ज करेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम. हाँ चलिए, जो भी आपके बचे खुचे बाल हैं उसको उठाते हैं. लेट्स सी, है ना, हो रहा है, हो रहा है. मेरे इनफैक्ट आपके आईलिड्स भी खींच रहे हैं. यस, हो रहा है, हो रहा है. सी है, ये हुई ना भाई बात. वाओ, दैट इज अमेजिंग. आई थिंक सर आपके आपके सर को और थोड़ा नीचे लेके जाएंगे. अब हाँ ये करेंगे. आ आ इधर. हाँ हाँ बस ठीक है. अब बच्चों चलो देखते हैं जादू से पुष्पेंदु सर के बाल को ऊपर उड़ाते हैं. सर नाक को ज्यादा दूर मत ले जाना, नहीं तो नाक पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है. बच्चे बोल रहे पुष्पेंदु सर पे रहम करो. पुष्पेंदु सर बच्चों पे रहम करते हैं. तो आप देख रहे हो पुष्पेंदु सर के बाल खड़े हो रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको. हाँ हाँ हाँ. मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो कुछ खाना बन रहा है और आवाज होते जा रहा है, होते जा रहा है, तड़का लगा हुआ है. All right,
आई थिंक बच्चों को बहुत मजा आया होगा इस एक्सपेरिमेंट में और ऐसे हमारे सेशंस में। तो फिर पुष्पेंदु सर, नेक्स्ट टाइम भी हम कुछ ऐसा ही प्लान करने वाले हैं, बट इस बार आई थिंक बायो से रिलेटेड ज्यादा कुछ होने वाला है। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। आज का हमारा बड़ा ही फन सा सेशन था, है ना? तो आपने देखा और बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी, कैपेसिटेंस के बारे में सीखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा, चार्जेस के बारे में सीखा। आई विश कि थोड़ा और टाइम होता तो थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेशन होने वाला है, बहुत सारे। तो हम बहुत सारे सेशन प्लान कर रहे हैं और आपके लिए बायो और फिजिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जैसा कि आप सबने डिमांड किया था कि हाँ सर और भी करो, है ना? Yes. और भी ऐसी चीजें लेकर के आओ। ऑल राइट, तो आपने आज प्रैक्टिकली देखा अपनी आंखों के सामने कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है और उसका एक्चुअल में रियल फिजिकल इफेक्ट भी आपने देखा। आई होप अब आपको फिजिक्स पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा, और जो आपको लगता था ना कि पता नहीं शायद ये इलेक्ट्रॉन्स होते भी हैं या नहीं होते, पता नहीं शायद इलेक्ट्रिक फील्ड होती भी है नहीं होती है, तो आज हमने आज आपको ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि देखो ये सारी चीजें होती है। और ये हमारा प्यारा सा वेंडिंग ग्राफ जनरेटर, सर इसको एक बार छू करके बाय बाय बोलते चलो फिर आज के लिए इतना ही। आई थिंक Yes. आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं बच्चों, फिर आपसे मिलेंगे मंडे को, वापस होगी मुलाकात और फिर से कहानी आगे चलेगी हमारी। रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में अब चैप्टर शुरू होने वाला है थोड़ी दिनों में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत मजा आएगा, पुष्पेंद्र सर को लेके आएंगे और उनके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी दोहराएंगे, है ना? सर को एक बार करंट भी लगा के देखते ओके और ट्यूजडे को आई विल ब्रिंग इन सम थ्री डायमेंशनल, यू नो, 3D व्यूज ऑफ समथिंग अराउंड सेल डिवीजन। ओके, जो लास्ट हम ट्यूजडे को बात कर रहे थे, इसको और डिटेल में हम देखेंगे सेल डिवीजन के बारे में। लेट्स सी, नेक्स्ट फ्राइडे के लिए कुछ फन फिर से ट्राई करते हैं। यस, डेफिनेटली। और आपको अगर नया कुछ चाहिए सो जरूर हमें कमेंट में बताइए कि आप ये देखना चाहते हो, इस तरीके का सेशन आप देखना चाहते हो। विल डेफिनेटली ब्रिंग इन समथिंग, एब्सोल्युटली। सो आई विल सी यू अराउंड गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर होस्ट दोस्त तन्वेंटर मृणाल साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।